ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इक्विलिब्रियम के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर हमें अपना ऑस्मोसिस को रोकना है तो हम उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर देते हैं ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो एक पर्टिकुलर ऑस्मोसिस के रिजल्ट को सेट करता है। जैसे एक कंटेनर लिया है जो कि सेपरेट है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक झिल्ली होती है जो कि लेस कंसेंट्रेटेड मॉलिक्यूल पार्टिकल को क्या अलाउ करती है और लेकिन हाई कंसेंट्रेटेड को अलाउ नहीं करती। इस कंटेनर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में। उसके एक पार्ट में हम लेते हैं सॉल्यूशन, इसमें हमारा सॉल्यूशन है जो कि कंसेंट्रेटेड है, और दूसरे में है सॉल्वेंट जो कि डाइल्यूट है। एक इसमें कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है, इसमें डाइल्यूट जो कि एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रहा है कि डाइल्यूट है। तो ऑस्मोसिस में नेट फ्लो क्या होता है, लेस कंसेंट्रेटेड से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ हमेशा मूव करता है। यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेस कंसेंट्रेटेड मॉलिक्यूल पार्टिकल्स को अलाउ करती है, पास करती है। यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से सॉल्वेंट की तरफ इजीली पास हो सकते हैं, या लेस कंसेंट्रेटेड से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ। तो क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, उससे क्या होगा, सॉल्यूशन का लेवल जो होगा वो इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, लेकिन सॉल्वेंट का क्या करता है, डिक्रीज करता है। सॉल्वेंट का लेवल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, लेकिन सॉल्यूशन का क्या होगा, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर हम इसमें एक पिस्टन का यूज करें, ये पिस्टन क्या करेगा, इस पिस्टन को हम जो कि ये सॉल्यूशन जो कि हाई कंसेंट्रेटेड है और जो फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का, और जिससे हमारा सॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज कर रहा है और सॉल्वेंट का डिक्रीज कर रहा है, पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन से हम इस पे एक प्रेशर डालेंगे। जब हम पिस्टन से प्रेशर डालते हैं अपने सॉल्यूशन पे, तो उससे क्या होगा कि इस टाइम पे यहाँ पे प्रेशर डालने से कोई भी मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव नहीं करेगा, क्योंकि क्या होगा कि पिस्टन प्रेशर डालेगा मॉलिक्यूल्स को, और जो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इससे बर्डन आ जाएगा, जिससे क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पे बर्डन पड़ेगा, जिससे वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के राइट साइड में ही रहेंगे और इस साइड आएंगे नहीं। लेकिन अगर हम पिस्टन को हटा देते हैं तो फिर से ये आना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से जो हमारा ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसका यूज हम डिसलिनेशन के लिए भी करते हैं, यानी वाटर को प्योरिफिकेशन के लिए भी करते हैं। जैसे एक कंटेनर में हमने सी वाटर, समंदर का पानी जिसको हम पी नहीं सकते, वो लिया है, और अगर इस वाटर को हम प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, दूसरी साइड पे क्या होगा, इसका प्रेशर डालेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सी वाटर के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे, जिससे यहाँ पे और मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे। ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये फ्रेश वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, और इस फ्रेश वाटर को हम सेपरेटली कंटेन कर लेंगे कंटेनर में, जो कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और ये तभी पॉसिबल है, जो प्रेशर हम पिस्टन के थ्रू यहाँ अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर सिर्फ इक्विलिब्रियम के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लो ना कर सकें, सिर्फ उसको प्रेशर रोकने के लिए, फ्लो को रोकने के लिए। अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सी वाटर क्या करेगा, फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका यूज हम कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करेंगे। यह हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर।